हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि सभी को नॉलेज मिले। सभी बच्चे जो हमारे हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं या कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको नॉलेज उनको मिले। तो आज जैसे पहले ट्रेनिंग सेशन था शौर्य का, ये मेरा एक ट्रेनी है शौर्य और ये मीत है, जो इनका ट्रेनिंग सेशन था पहले शौर्य का था। ट्रेनिंग सेशन में इसने स्किप किया क्योंकि इसको थोड़ी क्रैम्पिंग अप और स्टिफनेस थी इसके मसल में, और साथ ही मीत जब अभी आया इसने भी बताया कि इसको थोड़ी सी स्टिफनेस और क्रैम्पिंग अप है। तो सबसे पहले हम शौर्य से जानेंगे, शौर्य आपको कहाँ स्टिफनेस या पेन जो थी कहाँ पे थी आपको? बच्चे टो से इसको शिन को पेन आ रही थी, बेसिकली एक इंजरी थी माइनर सी जो इसके अंगूठे पे लगी थी कुछ महीने पहले, और उसको वो काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड होके काफ़ी ऑपरेट करना था बेसिकली, तो अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ है, तो उस कारणवश आपको वो पेन हो रही है, तो वो सबसे पहले आपने ऑपरेट करना है बच्चों, ठीक है। और सेकंड इसको कहाँ थी पेन बच्चे? थोड़ा इसको पेन साइड ऑफ कॉर्डिसेप्स और मैं थी जहाँ पे इसको स्टिफनेस और क्रैम्पिंग अप लग रही थी, तो मैं अभी आपको बताऊँगा ये होती क्यों। सबसे पहले हम मीत से बात करें, तो मीत आपको कहाँ था बच्चे? क्रैम्पिंग अप स्टिफनेस, इसको बेसिकली इसको कॉर्डिसेप्स में स्टिफनेस दोनों लेग्स में क्रैम्पिंग अप हो रही थी। अब ये होती क्यों है? बेसिकली देर आर मेजर टू रीजन। सबसे पहला जो कॉज है वो होती है जब आपके बॉडी से लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट और सोडियम का, उससे आपकी जो मसल नॉट है स्टिफनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, वो फ्लेक्सीबिलिटी उसमें नहीं रहती है, इसलिए आपको मसल क्रैम्पिंग अप और स्टिफनेस रहती है। सेकेंड कॉज है कभी भी आप ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैच खेलते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आपकी ओवर वर्कलोड होता है या एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी, तब आपकी मसल क्रैम्पिंग अप और स्टिफनेस होती है। तो ये मेजर टू रीजंस है जिस वजह से आपको मसल क्रैम्पिंग अप या स्टिफनेस हुई है। और तीसरा भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है फ्लेक्सीबिलिटी। जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते हैं बिफोर वार्म अप नहीं करते हैं प्रॉपर या कूल डाउन नहीं करते हैं प्रॉपर, तब भी आपको मसल स्टिफनेस और क्रैम्पिंग अप होती है। तो ये बहुत दो तीन मेजर रीजंस है जिस वजह से आपको मसल क्रैम्पिंग अप और स्टिफनेस होती है। मसल कसा और लगता है, थोड़ा हल्का हल्का पेन लगता है जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। तो ये चीज़ें आपको ख़त्म कैसे करनी है, आपको मिनिमाइज कैसे करनी है, उसके लिए रिकवरी के लिए क्या चाहिए, आप यू हैव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्लूइड, बहुत फ्लूइड लेना है आपको, सो दैट ट्रेनिंग सेशन में और आप जब घर में हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अगर आप मौसम देखेंगे ये काफ़ी जो हम जितने हाइड्रेट होते हैं डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो इसलिए भी आपकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट बहुत जल्दी होता है। तो आपको सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, इसको रिकवर करने के लिए आपको बहुत फ्लूइड लेना है। सेकेंड वार्म अप और कूल डाउन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ 20-25 मिनट्स हाफ एन आवर का वार्म अप स्ट्रेचिंग और कूल डाउन स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस, और छोटी एज में, इसलिए क्योंकि जब आप छोटी एज में करेंगे तो आपकी अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एट द एज विल ग्रो, आपकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वार्म अप में अच्छा स्ट्रेचिंग करिए और साथ ही साथ कूल डाउन में बहुत मैक्सिमम टाइम तक स्ट्रेचिंग करिए। और आप रिकवरी के लिए फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स विटामिन डी विटामिन जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स रहते हैं वो आप खा सकते हैं, सो दैट आपकी रिकवरी जल्दी हो। तो ये तीन मेजर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं जिसके आपको मसल का स्टिफनेस और क्रैम्पिंग अप कम से कम। मुझे लगता है आपको ये कॉज के बारे में और साथ ही साथ रिकवर कैसे करें हम उसके बारे में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सभी को पता लग गया होगा अब तक, तो आप ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आपकी जो मसल क्रैम्पिंग अप है और स्टिफनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी या बहुत कम बारी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था स्टिफनेस और क्रैम्पिंग के लिए, जो मैंने मेरे दो स्टूडेंट्स थे ट्रेनी थे उनके साथ आपको शेयर किया आपके साथ ये, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू।